नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक राजस्थान। विधानसभा के चुनाव निपट चुके, जीत हार सबका फैसला हो गया, सरकारें बन गई, मंत्री बन गए और फिलहाल सभी रामोत्सव में लीन है, लेकिन नजर सबकी लोकसभा चुनावों पर है। फिर चाहे वो जनता हो या नेता, राम मंदिर को भी लोकसभा में अहम मुद्दा बनाया जाएगा या अभी से इसकी झलक आपको दिख भी रही होगी। ये तय है कि इस बार मुद्दा महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं बल्कि राम मंदिर होने वाला है। बड़ा चढ़ाकर जनता से वोट राम के नाम पर मांगे जाते रहे हैं और आगे भी होगा। स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है। जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया खबर की जगह बाकी सब कुछ दिखा रहा है, उससे आप कयास लगा लें। बहरहाल इधर राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बाप पार्टी के आपसी गठबंधन पर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस को जरा तिरछी निगाह दिखाई है। जाहिर है कांग्रेस को झटका लग सकता है, लेकिन अब क्या करें। हुआ यूं कि आप जानते ही हैं कि कैसे विधानसभा चुनावों में 3 सीट जीतने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीएपी अब लोकसभा चुनावों में भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के प्रमुख विधायक ने साफ कर दिया है कि बीएपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और स्वतंत्र होकर ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने पार्टी के कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। राजकुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन खुद ही लड़खड़ा रहा है, उनके नेताओं में ही अभी तक सामंजस्य नहीं है। प्रदेश में भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों में स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती तो ये विधानसभा चुनावों में ही हो जाता, लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव आया और ना ही हमारा कोई इरादा है। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनावों में भी क्षेत्र की जनता ने हमारे 3 विधायक चुनकर दिए हैं। अभी हमारी पार्टी प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनावों में भी हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की सीट जीतने में कामयाब होंगे। बीटीपी से टूटकर अलग होने के बाद बीएपी ने पहली बार विधानसभा चुनावों में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। डूंगरपुर जिले की 84 सीट से 1,11,000 से ज्यादा वोट से राजकुमार रोत ने जीत हासिल की, जबकि आसपुर विधानसभा सीट पर उमेश दामोर जीते। यह पहले भाजपा का कब्जा यहां पर था। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत सीट पर भी बीएपी का विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बीएपी दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर और राजकुमार रोत के कांग्रेस का सपोर्ट ना करने की बात पर क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अपना आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव के अंदर हम अभी तक का जो हमारी स्थिति है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश के जो हालात है उस हिसाब से लग रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन हो रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी लड़खड़ा रहा है, उसका कोई अभी तक क्लियर चीजें नहीं हुई है। और हम लोग स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से लगभग गठबंधन नहीं करेंगे।